सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी के आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश मसारी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे प्रश्न जो इंटर के आईएससी में बहुत बार दोस्तों पूछे गए हैं और हो सके तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाए और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्न को आपको समझा सकूं। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीके से सभी क्वेश्चन को सलूशन किया गया है, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये मैट्रिक्स ये दिया है 5 6 7 8 9 4 3 2 1 2 3 1। हमको इसको क्या निकालना है, देन फाइंड एडजॉइंट। यह आपके डिटरमिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दे देगा और उसका एडजॉइंट पूछेगा। एडजॉइंट पूछेगा तो हम लोग तो जानते हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है, उसके बाद मैट्रिक्स से निकालना पड़ता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तब एडजॉइंट निकलता है। लेकिन हमको वो सब नहीं करना है, वो सब करने में कम से कम एक पेज आधा पेज लगेगा, लेकिन हमको वो सब नहीं करना है। आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत साधारण तरीके से आप निकाल पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इसको ऐसे क्या करना है, पहले ये दोनों को अब मत देखिए। यहाँ पे 5 6 7 है, तो 5 6 7 8 9 4, तो 8 9 4 2 3 1 2 3 1 हमने लिख दिया है। और फिर हमको करना क्या है कि ये जो दो को कॉलम है, C1 और C2 कॉलम है, जस्ट इसके बाद हमको लिख देना है। तो लिख दिया है 582 582 693 693, और उसके बाद यह हमारा हो गया। और उसके बाद क्या करना है, इस रो को नीचे उतार देना है। तो 5 6 7 5 6 लिख दिए हैं, और फिर 8 9 4 8 9 8 9 4 9 4 8 9। तो दोस्तों हमको करना क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स उतार देंगे, उसके बाद यह जो दो गो रो है, यह जो दो गो कॉलम है, उसको मैट्रिक्स के उस पार लिख देंगे, यानी मैट्रिक्स के दाहिने साइड में लिख देंगे। और दाहिने साइड लिखने के बाद जो सबसे ऊपर वाला दो कॉलम बनेगा, सबसे ऊपर वाला जो दो रो बनेगा, उसको नीचे लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर से आप देख पा रहे हैं, ऊपर से एक लाइन इसको घेर देंगे, और फिर यहाँ पे अगर रुक जाना है, फिर यहाँ से इसको घेर देंगे। हमने घेर दिया है, और उसके बाद करना क्या है, वही जो डिटरमिनेंट निकालने के वक्त गुणा किया जाता है, वही करना है। 9 × 1 = 9, और 9 × 9 4 3 12, 9 में से 12 घटाना है हमको, 9 में से कितना घटाना है 12। तो -3 आ गया यहाँ पे, तो -3 हमने लिख दिया है। और उसके बाद 4 × 8, 8 × 8, 8 में से कितना घटाना है 8, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा। तो दोस्तों इसमें करना रो में गुना करना है, लेकिन लिखना कॉलम में है, गुना रो में करना है लेकिन लिखना कॉलम में है। तो 0 आया है तो 0 लिख दिया हमने। उसके बाद 8 3 = 24 और 9 3 = 27, 24 में से 18 जाएगा तो 6 आएगा, मैंने 6 लिख दिया है। और फिर क्या करना है, 7 3 = 21, 6 × 6 = 21 में से 6 जाएगा तो 15, इसी तरह गुना करके हमने लिख दिया है। इस तरह एडजॉइंट निकालने से होता ये है कि हमको माइनस प्लस यानी चिन्ह की चिंता नहीं करनी पड़ती है, चिन्ह अपने आप आ जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स ये दे दिया है 5 4 −6 8, और इसका फिर बोल रहा है देन फाइंड एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तब क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स सी मानेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स निकाल, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तब जाके हमारा एडजॉइंट निकलेगा। लेकिन हमको ये सब कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि 5 को 8 के जगह और 8 को 5 के जगह, क्या लिखना है, 5 को 8 के जगह और 8 को 5 के जगह। तो जैसे 5 है तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है, और 8 है तो 5 लिख दिया है। और इन दोनों को चेंज नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना है। इन दोनों में क्या करना है, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना है। तो 5 है तो 8, 4 है तो 6,
और माइनस सिक्स है तो माइनस फोर और फाइव, तो हमारा यह एडजॉइंट निकल गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री देख पा रहे हैं, एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए 3i प्लस 4j प्लस 6k एंड वेक्टर बी 4i प्लस 4j प्लस 4k दिया है, और इसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, साधारण गुणा करते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो अब इसको गुणा कर देंगे, 4 3 12 आई और 4 चौका 16 j और 6 चौका 24 k, हमारा यह डॉट प्रोडक्ट निकल गया। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है वेक्टर ए 2i प्लस j प्लस 3k एंड वेक्टर बी 9i प्लस 5j प्लस 2k, 9i प्लस 5j प्लस 2k दिया हुआ है। और बोल रहा है देन फाइंड ए क्रॉस बी, यानी हमसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट के माध्यम से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का बताएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई जे के लिख देंगे डिटर्मिनेंट के रूप में, और 2i 213 यानी 213 952 यानी 952 लिख दिए। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम एक्सपोंडिंग अलोंग C1 यानी कॉलम 1 के थ्रू इसको एक्सपोंडिंग करेंगे। तो और यहाँ एक्सपोंडिंग करेंगे तो आई को ले, जब आई का हम लोग एक्सपोंडिंग कर रहे हैं तो इसको और इसको हटा देते हैं, इसको और इसको हटा देते हैं, तो 2 माइनस 15 हो गया। और यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं कि 2 के साथ माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस हो गया माइनस 2, और 2 के लेंगे तो इसको और इसको हटा देंगे यानी 2j माइनस 5k, और 9 को लेंगे तो इसको और इसको हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, 3j माइनस के हमने यहाँ पे लिख दिया है 3j माइनस के। और उसके बाद क्या करना है, तो वहीं और इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, सॉल्व करने के अंत में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही होगा डॉट प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स, आज हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया है, आशा करता हूँ कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये चारों क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और संभावना है कि इस साल भी ये चारों क्वेश्चन में से, मैंने क्वेश्चन तो ये नहीं रहेगा लेकिन इसके आधार पे शायद क्वेश्चन आ सकता है।